अस्सलाम वालेकुम। नेम क्या है? फैसल। फैसल साहब क्या करते हैं? जॉब करते हैं। जॉब करते हैं, कहाँ जॉब करते हैं? रेस्टोरेंट। अच्छा, रेस्टोरेंट पे। कैसा गुजर बसर जा रहा है? बस गुजारा हो रहा है। गुजारा हो रहा है। वजीर आजम साहब से कितना खुश है, कितना नाराज? मैं तो कहूँगा माफ़ी दे दे। माफ़ी दे दे? हाँ जी, बस घर जाए, बहुत हो गया। यानी कि दो साल मुकम्मल नहीं कर रहे थे? नहीं नहीं, उनसे कहा बहुत हो गई, गर्मी पड़ी है, आप भी घर जाए, हम भी घर ही बैठे हैं। आज का सवाल जो सबसे बड़ा सवाल ये है कि मुसलमानों में इत्तेहाद कैसे बनाया जा सकता है? मुसलमानों में भाईचारा हो, आपस में प्यार मोहब्बत हो। okay. तो इत्तेहाद, जितनी गर्मी हो गई किस तरह बनेगा, और महंगाई जितनी हो गई है, आप ये देख लें। आप किसको दोषी ठहराते हैं? उलमा इकराम को, सियासतदानों को, मजहबी तंजीमों को, फलाही तंजीमों को, आखिर अवाम को, या किसको दोषी ठहराते हैं इत्तेहाद ना बनने में? अवाम और उलमा इकराम में। उलमा इकराम को चाहिए कि आपस में मिल बैठ के जो है वो बातचीत करें। आपका कहना है कि उलमा इकराम दोषी है? हाँ जी। उलमा इकराम क्या मिसगाइड करते हैं लोगों को? सही बात है। ये आज सुन्नी देवबंद अहले अहले तशय्यो इतने तफरके बन गए, बन चुके हैं। हाँ जी। नया मुस्तकबिल जो है, नए आने वाले बच्चे हैं, वो काफ़ी परेशान है, उनको कैसे एक लड़ी में परोया जाए? ये तो उलमा इकराम को चाहिए ना कि स्कूलों में दीनी तालीम आम करें। दीनी तालीम स्कूलों में आम करें? आज के साथ इत्तेहाद की तालीम है किधर? स्कूलों में तो है नहीं, यूनिवर्सिटियों में भी नहीं है। बिल्कुल ठीक है। और मैं बाकी आप खान साहब से जो कह रहे हैं वो इमरान खान साहब, मैं कहूँगा घर जाए तो बेहतर है। मियाँ साहब को आने दें, वो कुछ ना कुछ कर देंगे। थैंक यू।